क्या दोस्तों, आप भी अपने व्हाट्सएप को लेकर परेशान हो क्या? किसी बंदे को 30 से ज्यादा फोटो नहीं शेयर कर पा रहे हो एक साथ, तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ वही चीज बताऊंगा कि आप 30 से ज्यादा फोटो एक साथ किसी बंदे को कैसे शेयर करें। क्योंकि व्हाट्सएप में एक सेटिंग या फीचर बोल सकते हो जिसमें आप 30 से ज्यादा फोटो किसी बंदे को एक साथ शेयर नहीं कर पाते हो, लेकिन आज मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उसके जरिए आप अपने 30 का 30 से 40 50 60 जितने फोटो आप एक साथ शेयर करना चाहते हो वो शेयर कर सकते हो, वो भी क्वालिटी के साथ। इसके लिए ना आपको किसी के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए कैसे कुछ होता है कुछ प्रोसेस देख लेते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। और अगर आप भी अपनी वीडियो में कुछ ऐसी साइड स्क्रीन लगाना चाहते हो तो मेरे ऊपर आई बटन में एक लिंक दे रखी है, वहां से वो वाली वीडियो देख सकते हो कि इस प्रकार की साइड स्क्रीन लगाते हैं कैसे अपनी वीडियो में। तो चलिए फटाफट से अभी इस वाली वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको जिस किसी बंदे को आपको फोटो शेयर करना चाहते हो उस वाले कॉन्टैक्ट में चले जाना। मैं सिंपल से यहाँ पर इस वाले कॉन्टैक्ट में चले जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया मैसेज वाला, यहाँ पर आपको जो जेनरिक टाइप का ऑप्शन दिख रहा है जिससे आप फोटो शेयर करते हो, यहाँ से अगर आप जब गैलरी में जाकर क्लिक करोगे यहाँ से आप 30 से ज़्यादा फोटो शेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ से आपको 30 से ज़्यादा फोटो शेयर सिलेक्ट करके बताता हूँ, आपको 30 से ज़्यादा फोटो शेयर नहीं कर सकते। तो ये मैंने यहाँ पर 30 फोटो सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं जब भी क्लिक करूँगा यहाँ पर नीचे भी मैसेज आ गया कैन शेयर मोर देन 30 मीडिया प्लेयर, मतलब 30 से ज़्यादा फोटो आप शेयर नहीं कर सकते किसी बंदे को। अगर किसी बंदे को शेयर करना चाहिए 30 पहले करो उसके बाद 30 वापस से करो, इसे करके करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसके लिए आपको सबसे पहले बैक आ जाना है, वापस से उसी जगह पर आ जाना है। व्हाट्सएप पर यहाँ पर आने के बाद डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है, सिंपल से इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको थ्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सारा मीडिया ओपन हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से आपको देख लेना है किस फोटो में आपसे फोटो है वो वाला भेजना है। मान लीजिए मेरा ऐसे कैमरे वाला है, मैं फोटो है मैं इसको यहाँ पे भेजना है, मैं इसको सारा कुछ सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैंने 30 फोटो सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैं यहाँ पे करूँगा यहाँ पर 31, 32, 33 ऐसे करके फोटो बढ़ते जाएंगे। आप जितने चाहो उतने फोटो शेयर कर सकते हो। मैं भी यहाँ पर आपको 40 फोटो शेयर करके बताता हूँ। मैं यहाँ पर 40 करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपल से क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर कंटिन्यू आ जाएगा, यहाँ पर 80 MB वाला यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर बता देना, यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है इसको। जैसे ऐसे कंटिन्यू करो आपके सामने सारे फोटो एक्सेस चले जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आप 30 से ज़्यादा फोटो अपने व्हाट्सएप पर किसी बंदे को शेयर कर सकते हो एक साथ। तो उम्मीद दोस्तों मुझका आप मेरे द्वारा समझाई की चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और अगर आप और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर हमेशा ऐसे यूनिक चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। और इसमें से कुछ खास वीडियो है जो मैंने वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हो वाली वीडियो में। चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।